नमस्कार सर। जी सर नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? जी सर जी, मेरा नाम कुमान दास, खंडवा जिला रहा है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैंने संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 5 सितंबर 2013 को मेरे को नामदान मिला है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले दास जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको पूजना, व्रत उपवास करना और रामलीला में पाठ करना, और संत सिंगाजी महाराज हमारे हरसू तहसील के संत हुए हैं, प्रसिद्ध संत हैं जिनको 3-4 जिले के लोग मानते हैं, उन संतों का भजन गाना झान मृदंग पे बजा करके और 25 साल तक मंडल बनाकर मैंने भजन गाया और लोगों को ज्ञान समझाता था सर जी। और इस ज्ञान को समझाने में मेरे को जो कन्फ्यूज होता था मेरे दिल में, वो मेरे को बहुत कचोटता था सर मेरे दिल में। जैसे दास रामलीला में राम का पाठ करता था, पवित्र रामायण जी में जो एक प्रसंग आता है कि श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के दरबार में, जनक जी के वहाँ गए थे पुष्प वाटिका में, उनने विश्वामित्र जी ने उनको फूल तोड़ने के लिए भेजा था, और वहाँ पर माता सीता जी अपनी सखियों के सहित गौरी पूजने के लिए वहाँ आई थी वाटिका में, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भाई लक्ष्मण, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबग अंग सुन भराता। हे भाई लक्ष्मण, मेरे शुभ अंग फरकते हैं, दाहिने अंग फरकते हैं, इनका कारण तो विधाता ही जाने। तो सर जी ये समझ के मैं कन्फ्यूज होता था, क्यों कि मैं तो श्री राम को परम सुप्रीम मानता था, अंतर्यामी मानता था, घटघट के वासी जानता था और सर्वा सर्वे जानता था। मेरे राम थे इष्ट और राम इष्ट ऐसा बोल रहे हैं कि वो कारण मेरे अंग फरकने का कारण तो विधाता जाने, वो कौन विधाता होगा। तो दास बहुत कंफ्यूज होता था। फिर दूसरा प्रसंग है रामायण में कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी पिताजी की आज्ञा लेकर वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, और भरत जी और शत्रुघ्न मामा के घर गए हुए होते हैं, और यहाँ पर दशरथ जी के प्राणस्थ हो जाते हैं। उस समय श्री महाराज वशिष्ठ जी जो सूर्यकुल के गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, श्री महाराज दशरथ जी के गुरु थे, वो सूर्यकुल के गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या है, सब जनता व्याकुल है, माताएं उदास है, व्याकुल हो रही है, पिताजी प्राणस्थ हैं, भैया राम लक्ष्मण और जानकी माता कहाँ गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनि राय, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहात। ये रामायण में दोहा है सर, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब बताया है, ज्ञान बताया है, उससे मेरे को पता चला, नहीं तो पहले मैं भी उनको सर्वा सर्वे जानता था। तो ये मुनियों के राजा मुनि राय बोल रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहात। सर हानि तो कोई चाहता नहीं है, और हानि नहीं चाहते हम, तो लाभ चाहते हैं, और जीवन मरण जीवन चाहते हैं, मरण नहीं चाहते हैं, और जस अपजस, अपजस तो हम मर करके भी नहीं चाहते सर, अपजस तो हमको होना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी हम तो ये चाहते हैं कि लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मर गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए सर। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली हमारे भजन गाने वाले साथी जिनका नाम मांगीलाल भाई है, वो मांगीलाल जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, उनने उनसे नाम लिया, 20 दिन आश्रम में रहे, और जिस रोज़ वो वहाँ से आए हमने भजन किए, वो भजनों में नहीं आए, तो मैंने साथियों से पूछा कि भाई मांगीलाल भाई क्यों नहीं भजन में आए, तो किसी ने कहा कि उनने कोई गुरु बना लिया है। मैं दूसरे ही दिन उनके घर गया, उनसे पूछा कि भाई साहब आप भजन में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भजन गाना मैंने बंद कर दिया है, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है और उनने मेरे को भजन गाने का मना बोल दिया। मैंने कहा कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो राम दीक्षा ली और भजन गाने का मना, तो कोई गुरु नहीं बोलते, भजन करने का सभी कहते, हाँ हाँ भजन करने का मना नहीं बोला, भजन गाने का मना बोला है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरु, ऐसे कैसे गुरु हैं, ऐसा उनसे कहा, तो उनने क्या करा, एक ज्ञान गंगा पुस्तक ला के मेरे हाथ में थमा दी और मेरे को ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ये प्रसाद ले लो, ये रामपाल जी महाराज का प्रसाद दिया हुआ है, ये प्रसाद तुम्हारे लिए विशेष करके लाया हूँ, ले लो। तो मैंने वो पुस्तक हाथ में ली सर, और पहला ही पेज खोला तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब जी का फोटो का दर्शन हुआ, और वैसे ही पुस्तक मैंने लेकर के घर आया,
तो मैंने मेरे छोटे भाई लखन भाई को दी कि भाई तू पढ़ जरा दो चार रोज, मेरे फुर्सत हो जाएगा जब मैं पढ़ूंगा, मेरे को फुर्सत मिलेगी जब। वैसे ही लखन भाई ने वो पुस्तक पढ़ी और वो जैसे जैसे पढ़ता जा गया वैसे वैसे मेरे को बताता गया, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है। जैसे सिंगाजी महाराज का भजन में ज्ञान तुम समझाते हो वैसा ही ज्ञान इसमें भी लिखा हुआ है। हम दोनों भाइयों ने ऐसे मिलान करके पढ़ते गए। तो क्या पढ़े सर जी बताएं क्या तुमको? केवल जो पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है उसमें पृष्ठ नंबर 20 पर ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना लिखी हुई है, सृष्टि रचना को पढ़ते ही हमारी आत्मा गदगद हो गई, धन्यवाद किया, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया कि ऐसे संत इस धरती पर आए हुए हैं और हम भूले पड़े हैं, हमको आज तक इनकी खबर नहीं, भनक नहीं लगी। आहा, हमारी आंखों से आंसू निकल गए। उसी समय हम दोनों भाइयों ने रात भर खूब विचार किया, फिर हमारे छोटे भाई कैलाश भाई को बुलाया, उनको बताया, उनने भी सृष्टि रचना पढ़ी, उनको भी समझाया, उनके भी समझ में आ गया। हमने गीता जी उठाई, हमारे सिंगाजी महाराज के भजन लिए, उनसे मिलान किया, सब ज्ञान पूरा 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 एक जैसा मिलता गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हम तो धन्य हो गए। संत सिंगाजी महाराज की वाणी में हम बोलते थे, वाह घर की मोहे कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल और माया हो, रज और वीर्य दो ही नहीं थे, फिर जीव कहाँ से आया हो। ऐसे ऐसे हम भजन गाते थे, भक्तों को समझाते थे, पर वो हमारे मन में अशांति थी। कंसेप्ट था कि ये सिंगाजी बाबा बोलना क्या चाहते हैं, जीव को बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था और ये बता रहे हैं कि जो घर से जीव आया, वो कौन सा ऐसा घर है, कहीं के घर में रहता था क्या जीव और वहाँ से आया है क्या ये, तो इसका घर कहाँ होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल माया, रज और वीर दो ही नहीं थे, फिर जीव, तो ये जीव तो इनसे पहले का हो गया, सिंगाजी महाराज बता रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता था, पर जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज, परम संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी ज्ञान गंगा, जिसके प्रश्न नंबर 20 पर सृष्टि रचना पढ़ी, तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सब पूरा पूरा हमको समझ में आया कि ये बात है ये। फिर बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में जाकर के हमने परम गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनकी बताई हुई भक्ति मर्यादा में रह के करने के बाद तो अनेक लाभ हुए। जैसे हमारी माता जी जिसकी उम्र 78 साल की हो गई थी, वो हमारी सिस्टर एक इंदौर में रहती है जी सर, वहाँ इंदौर उसको माता जी को ले गई थी उनके पास रखने के लिए एक दो महीने के लिए। वहाँ वो बीमार हो गए, उनके स्वास्थ्य फेफड़े ख़राब थे और जो अन्न की नली थी उसमें भी प्रॉब्लम था, तो वहाँ बताया इंदौर में डॉक्टरों को, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, वो हमारे वापस घर हमारे ले आए। घर आकर के हमने खंडवा डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने मना बोल दिया कि भाई ये तो माता जी की एज भी 78 साल की हो गई है और अब तुम पैसे मत लगाओ, ये अब बचने की नहीं। तो माताजी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था, पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, हमने हमको ऐसी भीतर से परमात्मा जी ने कोई उपमा दी कि भाई जो परमात्मा जी अपने शिष्यों को बताते हैं दोपहर की रमेणी 16 मिनट की, वो मैंने मोबाइल में लगा के ना मेरी माताजी के कान के पास वो मोबाइल चालू करके रख दिया, माताजी ने 16 मिनट रमेणी सुनी। सर क्या बताएं, ऐसा चमत्कार हुआ कि माताजी ने आंखें खोल दी। माताजी ने मेरे से खड़े होने को बोला तो माताजी पलंग के ऊपर बैठ गई, मैंने पीछे से हाथ लगाया सहारा से बैठ गई और उसी समय बोलने लगी कि थोड़ा सा खाना लाओ, मैं रोटी खाऊंगी तुम्हारा सर जी। वहाँ माताजी ने रोटी खाई और धीरे धीरे 2-4 दिन 8 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई। इसके बाद में वो 2 साल तक जिए, तो हमारी माताजी को 2 साल के लिए संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा वाले रामपाल जी महाराज ने उम्र बढ़ाई। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी 5 साल से गठिया वाय में पीड़ित थी, उसके ये अंगूठे उंगलियां सूज जाती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घर के काम काज करने में बहुत दर्द महसूस करती थी, रोती थी और उनको सर में चक्कर बना रहता था। तो वो क्या करती थी कि रोज़ शाम को कपड़े को गीला करके और गीली पट्टी सर पे रख के सोती थी, रोज़ यही होता था। तो सर ये सब मैं जुड़ा परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद मेरी पत्नी को जुड़ा, उनसे नाम दान दिलाया और जैसे ही उनने नाम लिया
उनका वो रोग भी समाप्त हो गया, आज वो तंदुरुस्त है और अच्छे, कोई तकलीफ नहीं है और अच्छे घर 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 का खेती का सबका काम करती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को भी ये लाभ हुआ है। तीसरा, मेरे छोटे भाई कैलाश, जिसका नाम कैलाश है, वो बाज़ार सब्जी बेचने के लिए भीड़ गया हुआ था, वहाँ से मोटरसाइकिल से वापस शाम को आ रहा था, तो और उसने अपने कान में संध्या आरती लगा के, कान में लीड लगा के और आरती करते हुए अकेला गाड़ी पे आ रहा था। पीछे से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाता आया, ये मेरा भाई मैं अपनी साइड में चल रहा था, पर उसने आते से उसकी साइड में जा कर के उसको गाड़ी को ठोका और गाड़ी गिर गई और भाई भी गिर गए और एक कम से कम 10-20 फीट तक घिसते गए, तो उस एक दो जगह चोट खरोच लगी, बाकी कुछ ही नहीं। तो उस दिन ऐसा हाल था, देखने वालों ने बताया कि ऐसा हाल था कि या तो इनने मर जाना था या फिर हाथ पैर सर कुछ भी फूट जाना था, टूट जाना था, पर संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को भी परमात्मा ने जीवन दान दिया। और एक लाभ मैं बताऊं सर, मेरा बड़ा लड़का जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी शादी नरलाय में हुई, नरलाय में उसकी बहू को और बच्चे को लेने के लिए गया था, तो गांव जलवा के पास जाकर के एक पिकअप भरी हुई आ रही थी, तेंदू के पत्ते की बोरियां रखी थी उस पर, और पिकअप भरी हुई आ रही थी और मेरा बच्चा 40-45 की स्पीड में अपनी साइड में चल रहा था, तो उसी समय वो पिकअप चलाने वाले ड्राइवर का ध्यान कहाँ था कि ऊपर जो घरों में लाइन गई थी बिजली की, उसकी सर्विस को बचाने के लिए वो पिकअप बहुत ऊंची भरी हुई थी, सर्विस को बचाने के लिए उसने एकदम से गाड़ी मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल तरफ एकदम से मोड़ दी और बच्चे की मोटरसाइकिल और उनका पिकअप का आमना सामना टक्कर हुआ। आमने सामने के टक्कर में कम से कम 100 फीट तक मेरी मोटरसाइकिल आड़ी घिसाती हुई चली गई और बच्चे को किसी ने उठा के और दूर खड़ा कर दिया। गांव वाले 50 इकट्ठे हो गए, सब ने कहा कि भाई ये तो ख़त्म हो गया, पर देखते हैं कि अरे भाई गाड़ी पे कौन था, तो मेरा बच्चा बोलता है कि मैं था। अरे क्या बात कर रहा है, तू तो खड़ा है, कहे कि मेरे को न मालूम किसने उठाया। तो वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, मेरा पूरा परिवार, मेरे तीनों भाइयों का परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको बचाया है, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनको भी सतनाम मिला हुआ है। और सर एक लाभ मैं क्या बताऊँ, दास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी सर जी, मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कहूँ तो मुझको रोना आता है कि मेरे घर में एक खटिया थी जिस पर सर जी दो रोज मेरी भगतमती और मेरी लड़की सोती थी। उसके बाद मेरी लड़की मुझे बोलती थी कि पापा जी हम दो रोज से नीचे सो रहे हैं, अब आप ये खटिया पे सो जाओ, हम माँ और मैं नीचे सोऊंगी। और हमारे घर में खाने के लिए बर्तन नहीं थे सर, एक थाली थी जिसमें अगर आटा गूंद लिया जाता था तो हम प्लेट में रोटी और सब्जी ले लेकर खाते थे। दास का घर ऐसा टूटा हुआ घर था कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, इसके पहले की बात बता रहा हूँ, गांव में गणेश जी बैठाया था, गणेश जी का चंदा लेने के लिए सरपंच पटेल और गाँव के भले भले 10-20 आदमी मेरे घर आए। मैंने कहा कि आज मेरे घर में आए हो, गरीब के घर में, तो मैं तुमको चाय पिला देता हूँ, मेरे भीतर आ जाओ। तो भीतर आने से मना कर गए कि हम भीतर आएंगे तो तुम्हारा घर तो ऐसा है कि ना मालूम हमारे नीचे ऊपर गिर जाए, तो बाहर आंगन में बैठे रहे, वहाँ उनको मैंने ले जाके चाय दिया और चाय पिलाई, पर वो भीतर नहीं आए। ऐसा मेरा घर था जिसमें हम रहते थे सर, ये कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर, मेरे परिवार वालों में, मेरे परिवार के जितने भी हैं उनसे मेरा घर सबसे अच्छा है गांव में। और मेरा एक छोटा बेटा और बहू इंदौर में रहते हैं, सर्विस करते हैं, तो सर जी उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव दास के बच्चे के पास मकान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। हम भक्ति करते रहे, दास की क्या औकात थी, परमात्मा जी ने 13 लाख का मकान मेरे बच्चे को अगले साल दिलाया है। मैं परमात्मा जी के गुण कहाँ तक गाऊं, हे मालिक, हे संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा जी के गुण गाना तो ऐसा है कि जैसे धरती का कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, सात समुद्र की स्याही करूं तो गुरु उन लिखे नहीं जाए, ऐसा है। कहाँ तक वर्णन करें इनके लाभों की। मेरे को भी साइट का थी, डॉक्टर उबेजा का इलाज चलाया मैंने साल भर खंडवा वाले, और उबेजा डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा पैर में साइटिका है और ये पैर की हड्डी बढ़ गई है और इसको काटना पड़ेगा, इसलिए तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया,
मैंने जैसे मालिक से नाम लिया परमात्मा जी से, संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना भी नहीं लगाई और वैसे ही मेरे साइटिका का रोग चला गया। क्योंकि जब हम पहले शुरू में उनसे जुड़े थे तो हमको तो प्रार्थना का भी ज्ञान नहीं था कि प्रार्थना लगाते हैं और कैसा होता है, मगर मन ही मन मैंने कहा कि मालिक मेरे को ये तकलीफ हो रही है चलने फिरने में, इसको अच्छा कर दो। तो रामपाल जी महाराज ने मेरी साइटिका की बीमारी को भी ख़त्म कर दिया। सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले सुपारी तंबाकू खाता था, गुटखा पाउच खा लेता था और कहीं जाने आने के समय मेहमान जाने जाते थे जब हम बीड़ी सिगरेट भी पी लिया करते थे। सर, रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मेरी तंबाकू सुपारी और गुटखा खाता था ये सब छूट गया। हम इसको छोड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, सिंगाजी महाराज को इष्ट मानता था। जब मैं सिंगाजी महाराज के समाधि पे जाकर 2-3 बार छोड़ के आया, नहीं छूटी। फिर हमने 2 जीप किराए से करी पूरी, हमारे स्वजन मंडल के 20-25 लोगों को लेकर के मैं खजूरी जहाँ सिंगाजी महाराज की जन्मभूमि वहाँ गया और वहाँ सुपारी तम्बाकू फेंक के आया और हमारी सब पूरी पार्टी को तम्बाकू सुपारी छुड़वाई थी, पर इसके बाद भी नहीं छूटी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया और जिस दिन से नाम लिया उस दिन से आज तक तमाकू को हाथ भी नहीं लगाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आपका नशा छूटा, आपको कई सारी बीमारियों से निजात मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं उनको ये अनजान जीव, तुच्छ जीव क्या कह सकता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने तो दासन दास लिखा है, जो पुस्तकों में देखता हूँ मैं तो दासन दास लिखा मिलता है, दासन दास रामपाल दास ऐसे लिखते हैं। इसको देखकर मेरे को रोना आता है कि हे मालिक, तुम ऐसा ज्ञान दे रहे हो, अभागे जीवों को शरण में लेकर के सतलोक भेज रहे हो परमात्मा, और तुम लिख रहे हो कि दासन दास, तो हम हमारे नाम के पीछे क्या लिखे मालिक। हे संत रामपाल जी महाराज, हमको बताइए हम क्या लिखे, हम तो दास भी नहीं लिख सकते, हमारे में तो दास के लक्षण भी नहीं है। हे परमात्मा, मैं तो क्या कहूँ संसार वालों को, मेरे परिवार वालों को और प्रभु प्रेमी आत्माओं को जो भगवान से मिलना चाहते हैं उनको, मैं तो यही कहता हूँ सभी को, सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को और ख़ास करके मेरे भजन मंडल के मेरे जितने भी साथी हैं उनको, मेरे रिश्तेदारों को और जो नए भी जुड़े हैं उनको, कि तुम ये बात को छोड़ो कि तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु, अरे तुम्हारे गुरु हमारे गुरु से क्या लेना देना है भाई। ज्ञान मिलता है, ज्ञान लो और अपना मोक्ष कराओ और सतलोक चलो। क्या यहाँ रहोगे, यहाँ रह के क्या कर लोगे, कितनी पीढ़ी चली गई, कितने कितने चले गए, हमारे दादे परदादे चले गए, किसी ने कुछ नहीं ले गया, हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे भाई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ और सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी, जीने की राह पुस्तक लिखी है, भक्ति से भगवान तक पुस्तक लिखे, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाके आपके घर जाके पुकार पुकार के पुस्तकें दे रहे हैं, उनसे पुस्तक लो और पुस्तक पढ़ करके ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करके और सतलोक का रास्ता तय करो। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के ऊपर अपार दया कर रखी है। कैसी, हर तहसील में हर प्रति रविवार के रोज गांव-गांव में सत्संग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाकर प्रति रविवार और बीच में भी समय मिलता है तो बीच में भी सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में रामपाल जी महाराज का आदेश है कि एक दिन का नामदान भी दिया जाता है, और कोई भगत और शिष्य ये सत्संग भी नहीं करता और नामदान भी नहीं देता, ये तो खुद स्वयं संत रामपाल जी महाराज ही सत्संग करते हैं और वो खुद ही LCD के नाम माध्यम से नाम देते हैं। तो जिन भी भक्त आत्माओं को उनका ज्ञान समझ में आ जाए, अगर नामदान लेना है तो नज़दीकी नामदान सेंटर परमात्मा जी ने हर जगह खोल रखे हैं, वहाँ पर जाकर जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सत्साहेब।